हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉजिक में वो है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। हमने सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन देखा है, जो भी सेंटेंस है हम उसमें नॉट लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं तो वो निगेशन बन जाता है, और अगर ऑलरेडी नॉट है तो उनको हटा देना है। वो सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन था। अब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास सिलेबस में चार टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट है। अगर कनेक्टिव वर्ड एंड है, और है, इफ देन है, और इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, यानी हमें निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट चार टाइप के निगेशन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला जो है वो कंजंक्शन का, यानी एंड का। तो इसका जो है, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, तो निगेशन है P एंड Q का। इसका फॉर्मूला ये है कि दोनों सेंटेंस के साथ हमको निगेशन ऐड करना है, और ये एंड जो हो जाएगा वो सिंबल चेंज जाएगी और में। इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में आया तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड में आ गया, मतलब स्टेटमेंट गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम है कि अगर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए ये पी है, ये पी है, ये कनेक्टिव वर्ड है एंड, और इट इज कंटिन्यूअस मीन्स फंक्शन, इट जो है वो फंक्शन के लिए यूज हुआ है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और ये क्यू है, तो ये कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। और इसको निगेशन कैसे बना सकते हैं? दोनों से सिंपल स्टेटमेंट में नॉट ऐड करना है। ठीक है, निगेशन पी निगेशन क्यू, यानी हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, और ये जो सिंबल है वो किस में चेंज हो जानी है? और में। तो इसका निगेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये देखिए निगेशन पी हो गया है, ये निगेशन क्यू हो गया है, और ये जो सिंबल है वो और है। तो ये फॉर्मूला जो है हम इस फॉर्मूले की मदद से ये निगेशन कंजंक्शन स्टेटमेंट का बना सकते हैं। दूसरा जो है वो डिसजंक्शन का, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, इसमें अगर फॉर्मूला ये है कि अगर दो पी और क्यू स्टेटमेंट है और दोनों में कनेक्टिव वर्ड और है, तो उनका निगेशन कैसे बनेगा? दोनों के साथ निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू, और ये और सिंबल जो है वो एंड में चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूला है। तो अगर इसको हम अप्लाई करें वर्ड प्रॉब्लम में, अगर एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लेते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं कि टू इज इवन नंबर और सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो टू इज एन इवन नंबर, ये है पी, सिक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ये है क्यू, और कनेक्टिव है। ये देखिए, अब जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसके साथ निगेशन अप्लाई, टू इज इवन नंबर का निगेशन हो जाएगा, टू इज नॉट एन इवन नंबर, ये हो गया निगेशन पी, और सिंबल चेंज करना है एंड में तो लिखेंगे एंड, और ये वाले क्यू का निगेशन लिखना है सिक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री। ये सिंबल है एंड, और ये देखिए ये है निगेशन क्यू। तो निगेशन पी और क्यू का हो जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। थर्ड जो सेंटेंस है वो इम्प्लीकेशन है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। यानी पी इम्प्लाइज क्यू वाले सेंटेंस का निगेशन, जो कि इक्वल होगा पी एंड निगेशन क्यू। फर्स्ट सेंटेंस सेम लिखना है एंड सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल लें वर्ड प्रॉब्लम में,
इफ थ्री इज एन ऑड नंबर, देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहां देखें, थ्री इज एन ऑड नंबर, ये एक सेंटेंस है पी, इफ देन कनेक्टिव है, यानी इस निगेशन बनाने के लिए ये रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये क्यू है, तो निगेशन का क्या रूल है, फर्स्ट सेंटेंस सेम। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस सेम मीन्स थ्री इज एन ऑड नंबर। फिर सिंबल है एंड की, तो लिखेंगे एंड। दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो लिखेंगे मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। तो ये है पी, ये है एंड, और ये है क्यू का निगेशन, निगेशन की। तो इस तरीके से निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन मालूम कर सकते हैं। दूसरा है निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। यहां पर इसका रूल है पी एंड निगेशन क्यू, और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, पहला सेंटेंस सेम एंड दूसरे का निगेशन, फिर और दूसरा सेंटेंस सेम एंड पहले का निगेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, विक्रम इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे पी अगर देख लेते हैं तो विक्रम इज इन रिच, विक्रम इज रिच, ही इज एन इंजीनियर जो है वो क्यू है। ठीक है, तो इसका कैसे बन बन जाएगा, हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, पी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, क्यू फिर निगेशन पी मालूम कर लेंगे, निगेशन क्यू मालूम कर लेंगे, और फिर ये फॉर्मूला रिकॉल करके एक एक चीज लिख सकते हैं। तो पी अगर लिखे विक्रम इज रिच, और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्यू है विक्रम इज एन इंजीनियर, निगेशन पी आ जाएगा विक्रम इज नॉट रिच, निगेशन क्यू आ जाएगा विक्रम इज नॉट एन इंजीनियर। अब पहला ब्रैकेट क्या है, पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे निगेशन विक्रम इज रिच एंड ही इज नॉट एन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल है और क्यू है, मतलब विक्रम इज इंजीनियर, सो ही इज एन इंजीनियर एंड ही इज नॉट रिच। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, या तो पिछले सारे एग्जाम्पल्स में भी पी क्यू निगेशन पी यू अलग करके फिर यहाँ पर लिख सकते हैं।